सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल व्हीकल रिव्यू विद ओपी सिंह। सो आज मैं टीवीएस के डीलरशिप में हूँ, सूर्या ऑटो जनामोड। अगर आप बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी प्लानिंग है टीवीएस की राइडर खरीदने के लिए, तो आप ऑफकोर्स इस शोरूम में आ सकते हो। मैं इस शोरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साइड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जा रहा होगा, शोरूम का लोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि इस गाड़ी का मैंने रिव्यू पहले भी कर लिया, बट इस वीडियो में क्या खास है, खास ये है कि इस गाड़ी को आप फाइनेंस प्रोसेस से किस पर्पस से खरीद सकते हो, फाइनेंस कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगा, क्या इसका इंस्टॉलमेंट आएगा, क्या डाउन पेमेंट आएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज आपको क्लियरिटी के साथ समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले क्रेडिट वाइज कैपिटल के मिस्टर महादेव कुमार जी। और सबसे पहले आपको इस चैनल में मेरा स्वागत है व्हीकल रिव्यू में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका आपका जो फाइनेंस कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है? क्रेडिट वाइज कैपिटल। क्रेडिट वाइज कैपिटल। इस जो भी मेरे साथ भैया खड़े हुए हैं, ये आपका क्रेडिट वाइज कैपिटल बैंक से बिलोंग करते हैं, और क्रेडिट वाइज कैपिटल जो बैंक है वो फाइनेंशियल बैंक है जो लोन करती है, कम सिविल में भी मेरा लोन होता है। कम सिविल में भी इनका लोन हो जाता है। तो सारी जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले आप मुझे आप ये बताइए कि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अभी बोकारो स्टील सिटी झारखंड में क्या पड़ता है? 1,14,207 रुपये। 1,14,207, यानी 1,14,207 रुपये अभी करेंटली इस गाड़ी का प्राइस आपको बोकारो स्टील सिटी झारखंड में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई कस्टमर आता है गाड़ी परचेस करने के लिए फाइनेंस प्रोसेस में, तो उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम। और इन केस बाय द वे, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के पास एटीएम ना हो, तो उसमें क्या? चेकबुक। ये दो चीज। या फोन पे। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, एटीएम नहीं है, और आप फोन पे या फिर गूगल पे यूज करते हैं, तो उससे भी टाइप करके आपका गाड़ी इजिली आप फाइनेंस करा सकते हो। एक अच्छा नया फ्यूचर्स बढ़ करके अभी न्यू जनरेशन में आया है। और एक चीज मुझे एक बात बताइए कि इस गाड़ी को परचेस करने के लिए कोई सैलरीड पर्सन का होना जरूरी है, या फिर स्टूडेंट वाले लाइक मेरे जैसे किन्हीं को भी परचेस कर सकते हैं? कोई भी इसको परचेस 20 साल से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसका एक उम्र है कि आप 20 साल, 20 ईयर अबव 20 ईयर के एज वाले को आप ये गाड़ी फाइनेंस कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी आप फाइनेंस जैसे करोगे तो इसमें सिर्फ मेल कर सकते हो, या फीमेल के नाम से भी ये गाड़ी आप परचेस फाइनेंस कर सकते हैं? फीमेल के नाम से हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेंट लगेगा। कॉम्प्लिकेंट लगेगा। कॉम्प्लिकेंट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए। उनका हस्बैंड का भी लाइक कोब्रोवर जिसको बोला जा सकता। तो अगर आपका अंडर एज है, या फिर आपका लेडीज है, या बाइक में चाहिए जी, तो आपको एप्लीकेंट चाहिए, और स्कूटी चाहिए तो नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेंट दैट मीन हो गया कि अगर मैं अंडर एज हूँ, और मान लीजिए मैं फीमेल हूँ, इन केस बाय द वे अगर मैं फीमेल हूँ और अपने नाम से मैं ये गाड़ी को परचेस करना चाहता हूँ, तो कॉम्प्लिकेंट में मेरे भैया हो सकते हैं, मेरे पापा हो सकते हैं, कोई जेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेंट भी उनको भी रहना जरूरी है। तो कॉम्प्लिकेंट में जो हो रहे आधार कार्ड और पैन कार्ड, उनका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अभी क्रेडिट वाइज कैपिटल का आपका सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है? 6.99 करेंटली इस अभी मंथ में 6.99 चल रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 9.99, 12, 13, 14 ऐसा फ्लैट होता है, बट क्रेडिट वाइज कैपिटल का अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.99। और मेरा सिविल भी है, 300 सिविल में भी मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ। सबसे खास बात यह है क्रेडिट वाइज कैपिटल की कि अगर किसी कस्टमर का सिविल स्कोर माइनस भी है, माइनस क्या, 300 सिविल भी हो, कम सिविल हो, 300 सिविल भी है, तो फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसे आप मुझे एक जानकारी दे और व्यूअर्स को जानकारी दे कि गाड़ी परचेस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली, मैं आपकी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली कितनी सिविल स्कोर होने चाहिए तब वो गाड़ी परचेस कर सकते हैं? 700 सिविल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। कोई भी गाड़ी आप परचेस करना चाहते हैं, लाइक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ओवरऑल कोई भी, तो उसमें आपको कम से कम 700 सिविल स्कोर होना चाहिए। होना चाहिए दूसरों बैंक के लिए, लेकिन मेरा बैंक में 300 सिविल में भी। सबसे देखिए, ये एक पॉइंट वाली बात है, और क्रेडिट वाइज कैपिटल में इसमें आपको माइनस अगर 300 सिविल भी है, तो आपका गाड़ी इजिली इस बैंक से आपको दे दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। और तो मुझे एक आप छोटा सा स्कीम बता दीजिए कि सबसे कम इस गाड़ी को अगर परचेस करना चाहे कोई कस्टमर, तो कितना इसका, लाइक जैसे आपने बताया 1,14,207 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है, तो इसका कम से कम डाउन पेमेंट क्या आ सकता है? कम से कम 23,000 में हम ये गाड़ी छोड़ देंगे।
कम से कम 23,000 में आप गाड़ी छोड़ दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 94,000 to 95,000 का आप इसमें लोन अमाउंट कर दीजिएगा। और इसका इंस्टॉलमेंट क्या आएगा? 400-970 rupees। तो इसमें आपको 24 मंथ के यानी 2 ईयर्स का 4,970 rupees का इसका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट ये फिक्स होता है या फिर ऊपर नीचे होते रहता है? फिक्स होता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 6.99% सभी के लिए चलता है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट से सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और उसके लिए क्या कुछ इसमें छूट मिल सकता है क्या? 5.99 इंटरेस्ट। अच्छा, जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सर्किट से बिलोंग करते हैं, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.99 हो जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग का ड्रीम बाइक है, मुझे पता है सभी लोगों का ड्रीम बाइक है टीवीएस राइडर। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कम से कम डाउन पेमेंट में क्रेडिट वाइज कैपिटल से परचेस कर सकते हो बोकारो स्टील सिटी झारखंड में। और अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो, इस एरिया से बिलोंग करते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट वाइज कैपिटल के सीनियर एग्जीक्यूटिव जो सेल्स देखते हैं मिस्टर महादेव का मैं नंबर दे दूंगा। अगर आप और भी कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हो लाइक टीवीएस छोड़ के अदर ब्रांड परचेस करना चाहते हो, अदर मॉडल परचेस करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स इनसे आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साइड स्क्रीन में भी आप लोग अभी देख पा रहे हो। तो सर मुझे एक बात है, स्टाम्प ड्यूटी जो होता है, बैंक प्रोसेसिंग फी होता है, वो कितना होता है इसमें? 1200 रुपये। 1200 रुपया बैंक प्रोसेसिंग फी और आपका स्टाम्प ड्यूटी और ये सब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चार्ज होते हैं जो आपका क्रेडिट वाइज कैपिटल में लगते हैं। और अदर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ये चीज ज्यादा मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने और भी सेक्टर में जाके पता किया था तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा नॉलेज मिला है अभी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप तो इजिली इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो कम से कम डाउन पेमेंट में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6.99 लगने वाला है अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर गवर्नमेंट से आप बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से, तो आपको रेट ऑफ स्टेट 5.99 लगने वाला है। तो अब ले जाओ गाड़ी, अभी तो स्टॉक में करेंटली खड़ी है। सबसे पहले कमेंट्स करो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आपका ड्रीम बाइक अगर ये है तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि लोएस्ट और भी डाउन पेमेंट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार इनसे कॉल कर लेना और आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या इसका डाउन पेमेंट आएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली कि देखिए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हर एक गाड़ी का प्राइस चेंज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिटेल्स रिव्यू किया और आपका बैंक बहुत ही अच्छा फ्यूचर्स दे रहा है और बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहा है। तो थैंक यू सो मच आपका और आपके बैंक का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय।